चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि इसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द एनवायरनमेंट, माइनिंग के इम्पैक्ट्स एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होते हैं। ठीक है, विल स्टार्ट अ डिस्कशन विद दैट। ठीक है, चले माइनिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहला जो मसला आपको फेस करना पड़ता है वो ये है कि माइनिंग जब आप करोगे तो आपको वेजिटेशन को रिमूव करना पड़ेगा, आपको अपनी वेजिटेशन को रिमूव करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जिस जमीन पर आपको माइनिंग करनी है, ठीक है, सो देयर यू हैव टू रिमूव योर वेजिटेशन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ये है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अच्छा, अब सीन ये है कि पहला मसला ये है कि वेजिटेशन रिमूव करनी पड़ेगी। जल्दी से समझ लो इसको, देखो क्या होता है। वेजिटेशन रिमूव करने का मतलब ये तुम्हारी लैंड है, ठीक है, इस अगर तुम्हें यहाँ पर फर्ज करो ये तुम्हारा पहाड़ी हिस्सा है या यू नो समथिंग लाइक दैट, सपोज कर लो मिसाल के तौर पे, सपोजिडली यहाँ पर जो है ना वो ट्रीज वगैरह भी मौजूद थे, तो गाइज अगर आपको यहाँ पर माइनिंग करनी है तो यू विल हैव टू कट देम डाउन। ठीक है, यू विल हैव टू कट देम डाउन, यानी आपको इनको हटाना पड़ेगा। बेटा जब हटाओगे इनको तो नया स्ट्रक्चर, नया शेप किस तरीके का बनेगा? कुछ ये है, यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं है, तो आपकी जो लेयर ऑफ सॉइल है वो एक्सपोज हो गई। ठीक है, लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज। ठीक है, ये जो एक्सपोज सॉइल होता है इसको कौन आगे लेकर के चला जाएगा? फर्ज करो ये तुम्हारे जो है ना वो बारिश हो रही है, तो पानी इसको आगे ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? पानी इसको आगे ले जाएगा। या अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो आपकी हवा है, एयर है, ठीक है, इनको हम कलेक्टिवली बेटा वाटर और एयर को क्या बोलते हैं? नेचुरल एजेंट्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल एजेंट्स। ये जो नेचुरल एजेंट्स हैं बेटा, ये आपकी जो एक्सपोज सॉइल है ये इसको आगे ले जाएंगे, और कहां पर लेकर जाएंगे? घर तो नहीं ले जाएंगे अपने, अगर आसपास की वाटर बॉडी होगी तो सीधा ये वो वहां पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे? सीधा आसपास वाटर बॉडी पे बेटा। तो इसका टेक्निकल टर्म क्या है? तुम लोग क्या बोलोगे? क्या चीज डिस्टर्ब होगी? मरीन लाइफ। क्या चीज डिस्टर्ब होगी? मरीन लाइफ। और बाज औकात जब मिनरल्स वगैरह ऐड हो जाते हैं बेटा पानी के अंदर, तो क्या हो जाती है? यूट्रोफिकेशन। क्या हो जाती है? यूट्रोफिकेशन, ठीक है। और जब यहां से आपकी सॉइल यहां पर आ जाएगी तो आपकी जो जमीन है क्या वो अभी भी जरखेज रहेगी या बंजर हो जाएगी? बंजर हो जाएगी बेटा, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो आगे क्या उसके ऊपर हम कभी एग्रीकल्चर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे उसके ऊपर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकेंगे। तो पहला इफेक्ट माइनिंग का ये होता है कि आपकी सॉइल, इट कैन कॉज वेजिटेशन टू बी रिमूव्ड एंड हेंस सॉइल इरोजन अकर्स। कोई मसला यहां तक? सबको समझ आ गया ये पॉइंट? आगे चले। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो नेचुरल लैंडस्केप होता है आप उसको छेड़छाड़ कर देते हो, उसके साथ आप छेड़छाड़ कर देते हो। फर्ज करो मैं तुम्हारे को एक मिसाल देता हूं, अब अगर आप जाएं नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर हमारे पास कुछ यूं इलाके हैं, ठीक है। अब आपने यहां पर माइनिंग करनी है, अब आप बोल रहे हैं यार यहां पर मुझे माइनिंग करनी है, तो बेटा आप लोग क्या करोगे? आप लोग कटिंग करोगे नहीं करोगे पहाड़ों की? यू विल कट फॉर वेज, हाँ के ना? मिनरल इंडस्ट्री को आपको अगर सही चलाना है तो हमने आपको बोला था कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना। चलो ट्रांसपोर्टेशन तो बात की बात है, तुम बोलो कि नहीं यार हम वहीं पे निकाल के हम जो है ना वो वहीं के लोगों के लिए बेनिफिट दे देते हैं, तो उसके ऊपर भी एक आर्ग्यूमेंट है। उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ऐसा भी करोगे तो भी कम से कम तुम्हें बिजली चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी? बिजली तो चाहिए होगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपकी लैंड का जो नेचुरल स्ट्रक्चर होगा वो जियोपेडाइज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो बेटा इसका टेक्निकल टर्म क्या है? डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी की शक्ल बिगाड़ देना, किसी की शक्ल बिगाड़ देना, जो एक नॉर्मल हो चीज हो दिखने में उसमें चेंज आ जाना, ठीक है, उसको डिफॉर्म कर देना, यानी उसकी जो ओरिजिनल शक्ल हो उसको बिगाड़ देना, ठीक है। ये क्यों आप बिगाड़ते हैं माइनिंग करते वक्त? लैंड का नेचुरल लैंडस्केप क्यों खराब होता है? क्योंकि आपको रोड्स या रेलवेज बनाने होते हैं। किस चीज के लिए? रोड्स और रेलवेज बनाने होते हैं। किस चीज के लिए? फॉर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, हाँ के ना? इसके बाद मैंने तुम्हें कहा कि पावर हाउसेस लगाओगे नहीं लगाओगे? बिजली के लिए, लोगों के लिए, वहां पर जो माइनर्स काम कर रहे हैं उनके लिए लिविंग फैसिलिटीज दोगे नहीं दोगे? समझ रहे हो बात को?
तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स माइनिंग के हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें दूसरा ये है कि आपकी लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप डिफॉर्म हो जाता है। कोई मसला क्यों डिफॉर्म हो जाता है? वो इस वजह से डिफॉर्म हो जाता है क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स, रेलवेज एंड यू नो लिविंग फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं अपने माइनर्स को। अब मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान जैसा इलाका, सॉरी पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर तुम नॉर्दर्न एरियाज की मिसाल कंसिडर करो, तो बेटा ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, व्हाई आर दे मोस्टली नोन? बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो अगर आप बेटा वो लैंडस्केप खराब कर दोगे तो आपको लगता है टूरिस्ट आएंगे? नहीं आएंगे, आपके नंबर ऑफ टूरिस्ट कम हो जाएंगे। जब टूरिस्ट कम हो जाएंगे तो आगे आपको पता है ना क्या मसाइल होंगे, लॉस ऑफ इनकम है, सो ऑन सो फोर्थ। समझ गए बात को? तो बेटा अभी अगेन एक दफा बताता चलूं, यहाँ पर एग्जाम के हम बार बार करीब हैं तो बताता चलना हूँ। अगर ये सवाल बेटा होता स्टेट का, कितने का क्या होता, खाली अगर सवाल होता स्टेट का तो इसमें हमें टू लाइनर आंसर लिखना होता है। कितना? टू लाइनर आंसर हमेशा। तो हम लिख देते सिंपल एज दैट, भाई वेजिटेशन हैज टू बी रिमूव्ड विच रिजल्ट्स इन सॉइल एक्सपोजर या सॉइल, सॉरी सॉइल। समझ गए बात को? इसी तरह तुम लिखते डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, डिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, या दो लाइनों में कंप्लीट करना है तो ये एक रीजन ये लिख देते, बिकॉज वी नीड टू यू नो कंस्ट्रक्ट रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन या लिविंग फैसिलिटीज। हाँ के ना? अब अगर यही सवाल तुम्हें बोलता 4 मार्क के अंदर एक्सप्लेन करने का, ठीक है, यही सवाल आया होता एक्सप्लेन करने का, तो हम इन्हीं रेड वाले पॉइंट्स में क्या ऐड कर देते, ये ब्लू वाला हिस्सा, तो उससे क्या होगा? समझ रहे हो बात को? चेन बनाना जो कल सिखाया था, आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? ये पॉइंट जो मैं लिखता हूँ ये डेवलप्ड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इट इट इज एवरी पॉइंट इज वर्थ 2 मार्क्स हियर इस स्लाइड के अंदर। कोई मसला, कोई क्वेश्चन? लेट्स मूव ऑन। इसी तरीके से तीसरा मसला ये बेटा, कल आपको मैंने बताया था रॉक ब्लास्टिंग कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है, नॉर्दर्न पाकिस्तान, ठीक है, और बेटा कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना कहाँ पर कर रहा है, स्पेसिफिक जगह बताओ, नॉर्दर्न पाकिस्तान, यस वेरी गुड, हुंजा के अंदर फर्ज करो, ठीक है। अब वो जब रॉक ब्लास्टिंग कर रहा है तो उससे सबसे पहला इम्पैक्ट क्या निकल रहा है, एयर पोल्यूशन। जब बेटा एयर पोल्यूशन होगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, किसके लिए, जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। इसी के साथ साथ कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो रिलीज होते हैं, या आप इसको ये लिख सकते हो कार्बन पॉल्यूटेंट्स, क्या लिख सकते हो, कार्बन पॉल्यूटेंट्स, बेटा जब वो रिलीज होते हैं तो वो क्या हमारी सेहत पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे? क्या वो अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में जो जानवर हैं क्या उन पे इम्पैक्ट नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। अगेन लेट्स लेट्स यू नो ट्राई टू डू, बेटा अगर स्टेट का सवाल होता तो क्या लिखते, कैसे लिखते इसको, रॉक ब्लास्टिंग, रॉक ब्लास्टिंग कैन कॉज या कॉजेज एयर पॉल्यूशन, खत्म, दैट्स इट। ये तुम्हें मिल जाता 1 मार्क। और डेवलपमेंट इसकी क्या होती, डेवलपमेंट ये होती कि तुम बोलते कि जब ये होगा तो उससे आपका, यस डेवलपमेंट इसकी होगी, ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन गोज डाउन एंड हेंस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सबको समझ आ गया ब्रीदिंग, ये कोई इशू है यहाँ तक? तो जब आप अपने पॉइंट को एनालाइज करते हैं फर्दर, इलेबरेट करते हैं फर्दर, तो वो जो है ना वो कहलाती है डेवलपमेंट। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, डोंट डू इट, ये जो हरकत मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये आप लोग में से नहीं किया करें प्लीज। इसको आप बच्चे समझते हैं डेवलपमेंट है, फर्ज करें नॉर्दर्न पाकिस्तान इज ब्यूटिफुल, नॉर्दर्न पाकिस्तान इज, चलो 1 मार्क सपोज करो मिला, ठीक है, उसके बाद अव्वल तो इस पे कोई मार्क नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली हाइपोथेटिकल। उसके बाद बच्चों ने बोला इट इज गुड, फुल स्टॉप, इट इज एक्सीलेंट। ये हरकतें नहीं करें, एग्जामिनर इसको कभी भी डेवलपमेंट के तौर पर काउंट नहीं करेगा, ठीक है, वो आपको बोलेगा बेटा जाओ दूध दही का काम करो, वो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है, डज दैट मेक सेंस? बेटा इसी तरीके से लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन क्या होता है, लैंड पोल्यूशन तब होता है जब आपकी माइनिंग वेस्ट आप प्रॉपर तरीके से डंप नहीं करो, जब आप अपनी माइनिंग वेस्ट प्रॉपर तरीके से डंप नहीं करो उससे आपकी लैंड पोल्यूशन होती है। जब लैंड पोल्यूशन होगी, फर्ज करो बेटा ये एक लैंड है, ठीक है, दिस इज आवर लैंड, ये वाले इस पॉइंट को समझा रहा हूँ, इलेबरेट कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ यार, अगर ये सारा डंप, फर्ज करो दिस इज या दिस इज आवर मिनरल वेस्ट, ये क्या है बेटा, हमारा मिनरल वेस्ट,
बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो जमीन है, इस जमीन के ऊपर सॉइल की लेयर होगी नहीं होगी? सॉइल लेयर, तो अगर मैं इसके ऊपर बेटा कचरा रखूंगा तो सॉइल की क्या तब्दीली नहीं आएगी? सॉइल के अंदर क्या सॉइल बेकार नहीं हो जाएगा? क्या सॉइल के पीएच लेवल चेंज नहीं हो जाएगा? अब बात की ना मुश्किल बात, पीएच लेवल, उसको कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स। क्या कहते हैं? चेंज इन पीएच लेवल। कोई मसला बेटा, अगर सॉइल के अंदर तुम कार्बन ज्यादा कर दो या नाइट्रोजन ज्यादा कर दो या परहैप्स यू नो मीथेन वगैरह के एलिमेंट्स घुस जाते हैं, तो ये सॉइल किसी काम के रहेगा क्या? ये सॉइल साफ रहेगा या कंटेमिनेट हो जाएगा? कंटेमिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो उस सॉइल के ऊपर क्या तुम उगाओगे चीजें? कभी भी नहीं उगाओगे, ठीक है? तो दिस वॉज द पॉइंट ऑफ लैंड पोल्यूशन। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर कई 100 साल तक एक्टिव रहते हैं। सही है, कुछ कार्बन एलिमेंट्स हैं जो ऐसे होते हैं, फर्ज करो, जो के जमीन के ऊपर बेटा एक्टिव रहते हैं। तो अगर हम ये डंप हटा भी दें और वो एलिमेंट्स यहाँ पर मिल गए हों और ये एक्टिव रहेंगे, तो बेटा आपको लगता है यहाँ पर हम जो है ना वो खेती बाड़ी कर सकते हैं? क्रॉप ग्रोथ होगी बेटा यहाँ पे? नहीं होगी। क्रॉप ग्रोथ को तो छोड़ो, अगर जानवरों का खाना भी उग के उनको भी खिलाओगे तो तुम्हारे जानवर भी बीमार हो जाएंगे। ग्रेजिंग के लिए भी वो ग्राउंड जो है वो फिर सूटेबल नहीं बचेगा। तो कहने का मकसद ये कि ये जो डेंजरस केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, ये बाज औकात बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। जब ये ग्राउंड के ऊपर एक्टिव रहेंगे तो आपकी क्रॉप ग्रोथ को तो भूल ही जाओ, इसके अलावा ये आपकी जो ग्रेजिंग फील्ड्स हैं उनको भी जो है वो खराब कर सकता। यानी ग्रेजिंग फील्ड्स बेटा कौन होती है जिसके ऊपर कौन चरते हैं? लाइव स्टॉक। कौन कौन फीड करते हैं? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक फीड खराब हो गई आपकी। सही है, किसी को कोई क्वेश्चन है? आर वी ऑल क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से एक और इफेक्ट बेटा माइनिंग का, वो ये है कि आपके ना डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। जिन्होंने नेचुरल टोपोग्राफी पढ़ी है उनको ये याद होगा डिप्रेशन क्या होते हैं। मैंने आसानी से बताया था, डिप्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से इस तरीके का स्पेस। सही है, ऐसा प्याला जैसे बेसिन, ठीक है। बेसिन में लफ्ज जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि जब वो मैं बेसिन पढ़ाता हूँ तो उसमें इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्याला है, ठीक है बेटा। इसके अंदर मुझे बताओ रेन वाटर क्या होगा? बारिश आएगी तो रेन वाटर क्या होगा? सही है, समझ, फर्ज करो शायान का बाथ टब बन गया, ठीक है। अब जैसे ये है, अब होता क्या है, ये डिप्रेशन आते कैसे हैं? सब्सिडेंस पता है किसी को क्या होती है? सब्सिडेंस ऑफ लैंड। सब्सिडेंस ऑफ लैंड पता है किसी को क्या होती है ना? लैंड का बैठ जाना नीचे, लैंड का नीचे बैठ जाना। बेटा फर्ज करो ये एक लैंड है, ठीक है, तुम इसके ऊपर इतना ज्यादा मिनरल वेस्ट रख देते हो, मिनरल वेस्ट रख देते हो, तो बेटा ये लैंड क्या होगी? ये लैंड ओवर टाइम इसकी जो लेयर्स हैं वो यूं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सो फ्रॉम स्ट्रेट, यहाँ पर क्या है बेटा? स्ट्रेट है, यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर क्या हो गई है? कर्व्ड हो गई है। तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन। इस लैंड के नीचे बैठ जाने को कहा जाता है सब्सिडेंस ऑफ लैंड। क्या कहा जाता है? सो व्हेन द लैंड सरफेस बैंड इनवर्ड्स इट इज कॉल्ड सब्सिडेंस ऑफ लैंड। इट इज कॉल्ड सब्सिडेंस ऑफ, सब्सिडेंस ऑफ लैंड क्या है? सब्सिडेंस ऑफ लैंड का आसान जबान में मतलब ये, व्हेन योर लैंड बैंड, ठीक है, इनवर्ड्स, आपकी जमीन नीचे जब झुक जाती है उसको हम कहते हैं सब्सिडेंस। क्या कहते हैं? सब्सिडेंस, सब्सिडेंस, ठीक है। और सब्सिडेंस ऑफ लैंड की वजह से बेटा क्या नतीजा निकलता है? क्या बन जाते हैं? डिप्रेशन। क्या बन जाते हैं? तो बेटा मुझे बताओ क्या पानी इनमें ठहरेगा या आगे जाएगा? ठहरेगा, पानी इनमें ठहर जाएगा। नॉर्मल अगर जमीन होगी फर्ज करो तो इसके ऊपर अगर पानी आ रहा है तो बेटा पानी रुकेगा, मूवमेंट आगे करेगा। लेकिन अगर इस तरीके की जमीन होगी तो इसके अंदर वाटर कलेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर वाटर कलेक्ट हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं कि डिप्रेशंस विल बी फ्लडेड, डिप्रेशंस विल बी। तो बेटा मुझे बताओ अगेन, आपकी नेचुरल टोपोग्राफी खराब हो रही है नहीं हो रही है? आपके सरफेस फीचर खराब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? ये स्टेगनेंट वाटर में बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है, तो क्या, और आपका वाटर फ्लो में तब मसला पैदा नहीं होगा। अब फर्ज करो ये एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर आपने माइनिंग की है, तो उस माइनिंग की वजह से उसके अंदर तब्दीली आई है कि उसके अंदर है ना कुछ इस तरीके का डिप्रेशन क्रिएट हो गया है। बेटा अब जो बारिश आ रही है
पहले वो सीधा कहाँ जाती थी, नीचे, ये फर्ज करो विलेज है, पहले यहां पर आती थी, अब बेटा वो उसका जो पानी का प्रेशर है वो इसी स्पीड से आएगा, नहीं आएगा, समझ गए बात? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? बेटा यू कम लेट, ठीक है, ऑलवेज आप दोनों ये करते हैं, सो आई वुड प्रेफर कि आप जो है ना वो फिर रिकॉर्डिंग समझ लें, ठीक है? चले आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, बिकॉज मैंने यहाँ पर किसी जो एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद थे उनमें से किसी को समझना है दोबारा, किसी को समझना है दोबारा, हाँ के ना, तुम्हें नहीं आया समझ? क्या थोड़ा थोड़ा आया? और कोई जो दोबारा चाहता है समझना? जी बेटा कौन सा वाला? 6 पे अभी पहुंचा हूं मैं, अभी कौन से पे है? 5 में क्या समझ आया? हम शामिल बताओ। आपके हालात बुरे हैं दोस्त, ये देखें, मैं एक और दफा समझा रहा हूँ बेटा, जब आप माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग सबसे पहले मैंने बोला, जब आप माइनिंग करते हैं तो आप मिनरल वेस्ट जो है वो अपना लैंड के ऊपर रखते हो, किसके ऊपर रखते हो? जब आप लैंड के ऊपर इतना ज्यादा मिनरल वेस्ट रखते हो तो ओवर टाइम अगर आप इसको रिमूव नहीं करते हो, प्रॉपरली डंप नहीं करते हो, तो वो लैंड के ऊपर पड़ा रहता है ना, तो लैंड के स्ट्रक्चर में इस तरीके से गैप जगह बन जाती है जो ये दिखाई हुई है, समझ रहे हो बात? समझ गए बात? तो जब बारिश आती है तो पानी जो है वो इसके अंदर रुक जाता है, क्या हो जाता है? रुक जाता है। सो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइनिंग में अगर हम ये पॉइंट लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? डिप्रेशन कॉजेज बाय सब्सिडेंस ऑफ लैंड में गैट डिप्रेशंस, जो डिप्रेशंस बने हैं इन इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डिप्रेशंस, क्या कहते हैं? जब लैंड में इस तरीके का यू शेप बन जाता है प्याले जैसा जिसमें आपका वाटर जमा हो जाता है, उसको कहते हैं डिप्रेशन, क्या कहते हैं? डिप्रेशन। बेटा ये डिप्रेशंस के अंदर आपके जो क्या नाम है, जब पानी आपका आएगा तो वो सारा इसके अंदर जमा, वो फ्लडेड हो जाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर में बीमारी होती है। अब ये पानी आगे कहीं ट्रेवल करके जा सकता है? नहीं, समझ गए बात? तो नीचे जो गांव देहात होंगे, फील्ड्स होंगी, उनको बड़ी डिफिकल्टी होगी। कोई इशू यहाँ तक? ओके, इसी तरीके से सबको समझ आ गया ये पॉइंट। इसी तरीके से बेटा छठे पॉइंट में ये बोला गया है, आपका जो मिनरल वेस्ट होता है, ठीक है, अगर आप उसको पानी में डाल देते हैं तो वो आपकी कौन सी लाइफ डिस्टर्ब करेगा? मरीन लाइफ डिस्टर्ब करेगा। और बेटा मिनरल वेस्ट वाला पानी क्या आप किसी डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकोगे? चलो लेट्स रिकॉल चैप्टर नंबर 3 क्विकली, बताओ मुझे जरा डोमेस्टिक पर्पसेस क्या होते हैं? कुकिंग, वॉशिंग और बाथिंग एक्सेट्रा। कोई मसला है यहाँ तक? तो बेटा आप ये काम कभी भी नहीं कर सकोगे। तो क्या ये पॉइंट में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट माइनिंग का ये होता है कि आपका जो मिनरल वेस्ट होता है, इफ योर मिनरल वेस्ट इज डम्प्ड इनटू वाटर बॉडी, इट विल हार्म योर मरीन लाइफ, इट विल हार्म द मरीन लाइफ, इट विल हार्म द मरीन लाइफ, सही है? और ये जो पानी है वो किसी फिर हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी काम नहीं आता, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी काम, यानी आपका जो मिनरल वेस्ट है, फर्ज करो इफ यू पुट इट इनटू अ लेक या आपने रिवर में डाल दिया, दरिया में, तो वो जो है वो फिर पानी जो है वो हमारे किसी काम नहीं आएगा, और उसके अंदर जो मछलियां होंगी वो भी बेचारी मर जाएंगी, वो भी बेचारी मर जाएंगी। डज दैट मेक सेंस? इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम माइनिंग इंडस्ट्री का ये है, मैंने आपको पहला जो पॉइंट बताया था, ठीक है, कि आपको अपना वेजिटेशन रिमूव करनी पड़ती, यू हैव टू रिमूव द वेजिटेशन, ठीक है? तो अगेन इट्स इन अदर वर्ड सेम थिंग कि मिनरल अगर आप करनी है आपको माइनिंग, तो आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़े, और फिर डिफॉरेस्टेशन, अब इसको कितने 10 तरीकों से हम डेवलप कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करोगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते। इज एवरीवन क्लियर? किसी को कोई मसला है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग में? कौन सा वाला? बेटा ये जो लैंड है, ठीक है, इस लैंड के अंदर जो है इसके ऊपर मिनरल वेस्ट आप रखते हैं, क्या रखते हैं? बेटा अगर ये टाइम पर नहीं हटेगा तो क्या ये
लैंड ऐसी रहेगी या थोड़ी दब जाएगी नीचे। अब फर्ज करो मिसाल के तौर पे, अभी आज मैं आपका थोड़ी देर के बाद सवाल करूंगा ताकि मुझे पता चले आपने कितना पढ़ा है। अगर आपको नहीं आया ना, मैं सारा वजन आपके सर पे रखूंगा, प्रिंटर का पूरा वजन, तो आप देखना आप जमीन में नीचे चले जाओगे। समझ रहे हो बात? अब समझ आई? मिनरल वेस्ट है ना, वो इसी तरह जमीन को नीचे बिठा देता है, जिस तरह अभी प्रिंटर आपको बिठाने वाला है। क्योंकि तो आपने पढ़ा तो कल होगा नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग से फुर्सत नहीं होगी आपको, बेगैरती से फुर्सत नहीं होगी। पॉइंट समझ आ गया ये बता दो, और कुछ पूछना है इन 7 पॉइंट्स में? चलें, अब इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जस्ट अ सेकंड। हाँ,